तो यहाँ देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, पीछे तक से लेकर वहां तक है गौ माता सारी। गाड़ी में हो गया पंचर, एक तो इस टायर में और एक उसमें, तो रिक्स नहीं लगता क्यों? ऐसे बढ़िया बनी है, इसमें स्वाद नहीं है ना बेटा? बिना स्वाद ये हमारा ब्लॉग मुझे मालूम था, हम भी हमने शुरू कर दिया। अच्छा, थैंक यू सो मच। इतनी गर्मी हो रही है हरियाणा के अंदर, आरसी गुम हो गई थी, कौन है आप कमेंट करके बताना। ये पहली बार एडमिशन करवा स्कूल में जी, ये कौन है ये बता कौन है, और ये देखना ये कौन है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। वेलकम बैक टू यू न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हो गया हूँ नहा के रेडी। इधर सरोज, क्या कर रहे हो? फटाफट तैयार हो ले। तो अभी मेरे को जाना है गांव में। यहाँ पर मुस्कान ने गर्मा गर्म बना दिए पराठे। की चीज के ये? आलू के बना लेते हो आप? चलो भाई, हैं क्या, चलो खाओ फटाफट। तो गई अभी नाश्ता हो गया डन। बेटी ठीक है? अपना दरवाजा बंद करके, कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है? ठीक है। दोनों बहन भाई ठीक है बेटा? ठीक है पापा जी। चला हाँ चलो बेटा, उड़ाई रहियो, कुंडी लगा लियो अंदर पर, अंदर अपना टीवी चला लो, एसी चलाओ, आराम से बैठ जाओ। हैं ठीक है। गोलू पहुंच गया गाड़ी के पास, बोल रहा पापा जी मेरे को चाबी दे दे, इतना मैं गाड़ी की सफाई कर लेता हूँ। तो बस अब निकलते हैं सीधा गाँव के लिए। बैठ बेटा, रहने दे बस, चलो अंदर से भी कर दिया, चले चलो। और क्यों लेट करा हो रही है बहुत ज्यादा। तो बस गाइस अभी निकलते हैं। तो गाइस ये देखिए आप, गांव का रोड इतना गंदा रोड हो रहा है, इतना गंदा बस आप पूछो ना। आप देख रहे हो कि जान लगा आपकी नजर जा रही है। हाँ। गाड़ी सांप की त्रिया इधर उधर। हाँ। तो गाइस अभी गांव में आ गए, तो चलते हैं बस मिल के फिर वापसी निकलते हैं घर। तो गाइस अभी मैं आया था गाँव में, तो गाँव में आने के बाद फिर वारसी मिल गया, तो यहाँ पर आ गया मंदिर में मत्था टेकने। जब ही ना पूजा पाठ हो गई है डन, बस अब फटाफट निकलते हैं, हांसी हांसी से फिर निकलूंगा वापसी चंडीगढ़ के लिए। तो बहुत ज्यादा मैं लेट हो गया इनकी वजह से। गोलू का कौन आ रहा, के कौन है? इसकी चाची। अच्छा पायल गोलू का। हाँ। नोली भैया कहाँ हो? मैं बोला अभी गांव में हूँ, पूजा पाठ करके मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है पहुंच जाएंगे। 3 बज गए हैं सरोज, फटाफट चल, मैंने चंडीगढ़ भी जाना है तेरे। फटाफट मैं तो चलने लग रही हूं, चल उतना हांसी छोड़ूंगा फिर वापसी जाऊंगा, 500 किलोमीटर हो जाएगा मेरा अप डाउन। आ जाओ मैं चलाऊंगा गाड़ी, मैं बता दूंगा जल्दी। हैं मैं कहां पर, कौन सी जगह पूछा होगा? हैं पूछाना होगा, मैं कहीं कितने और पूछा देगा। आ जा, काम हो गया है। तो गाइस अभी आ गया मैं पेट्रोल पंप पे, अभी गाड़ी के अंदर ना टैंक करवा लेते हैं फुल, फिर हांसी हांसी से वापसी चंडीगढ़। तो गई जब ना मैं गांव के अंदर गया था, तो गांव में खेतों में गया था, तो गाड़ी में ना अभी गाड़ी में हो गया पंचर, एक तो इस टायर में और एक उसमें, उसमें तो पहले ही था, उसका तो मेरे को पता ही नहीं था, ये दिखा रहा था हवा कम है, तो इसके अंदर पंचर हो गया। अगर मैं पंचर लगवा लेता हूँ रिक्शा नहीं लगता क्यों, मेरे को चंडीगढ़ निकलना है। कितनी मेहनत की जा रही है, तो बोल देते हैं भाई पंचर वाले क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर ही आ जाता हूँ, मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पंचर जरूरी है गाड़ी का। पहले क्या होता था गाइस मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो पंचर लगता था ना गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी का टायर खोला जाता था, और अब जो पंचर लगता है ना टायर तो खोलना दूर है, टायर चढ़े चढ़े पे मतलब एक डब्बा पानी लेंगे उससे चेक करके बता देंगे। तो भाई ये दिक्कत है, दिखा देता हूँ, एक ही कलर की गौ माता बहुत सारी। तो ये देखिए आप, यहाँ तक ना देखो आप पीछे तक, यहाँ पर ना हमको पंचर मिल गया भाई ने ना, अपना जो ट्यूब टाइप है वो लगा लिए। तो अभी पंचर दिखाते हैं हम कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई साहब? ये पहले पंचर लगे होगा। हाँ ये लीक है, तो यहाँ पर बुलबुले तो नहीं दे रही, बुलबुले पानी डालूंगा। तो भाई यहाँ पर ना भाई ने पंचर के ऊपर पंचर लगा दी है, अभी दोबारा से हम चेक करेंगे, पंचर तो नहीं है दोबारा से, भाई ने पूरा जोर लगा रखा है। चाचा क्या बोलोगे इसके बारे में? इसको सलाम है, इतना जोर लगा दिया। नहीं सलाम तो है, इतना तो जोर लगा दिया गर्मी में। अपनी गौ माता देखो, देखो कितनी है,
हैं? देखना पीछे तक से लेकर वहां तक है गौ माता सारी। तो गाइस यहाँ पर हमने पंचर लगवा लिया, बस गाड़ी में दोनों टायरों में पंचर हो गया था, तो निकलते हैं अपने घर की तरफ। ओके चल फिर बैठ, चलिए चलते हैं, गर्मी इतनी जबरदस्त है, बेहद जबरदस्त। तो भाई यहाँ पर ना घर पे आ गए, मुस्कान ले आई ठंडा सा पानी है। बेटा बेटा देख कर ले टाइम की क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, 5:15 हो गए। तो गाइस यहाँ पर आ गया खाना और स्रोत काट रही है प्याज, 7:15। तो यहाँ पर मुस्कान ने आरती कर लिया ना बेटा, है बेटा आपने भी कर ली। तो बस खाना खा के अभी निकलता हूँ, मैं लेट हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा। क्या हो गया हाँ सब्जी छोक का ना थक तो रहे थे, लेट गई सब्जी, तरी के बनाओ थी सुखी बनी, तो अच्छी बनी है यार, स्वाद बनी है ना। हाँ क्या करें मतलब वैसे बढ़िया बनी है, इसमें स्वाद नहीं है है ना बेटा, बिना स्वाद के खाने प्याज टमाटर का मतलब नहीं मान क्या है। हाँ। स्वाद नहीं है, छोड़ लो स्वाद नहीं है ना बेटा, नींबू नहीं छोड़ के खा लो, मैंने भी ऐसे करे। ये हमारा ब्लॉग में जवाब कौन बोल रहा है, क्यों नहीं बोलती बेटा, आज देखो सारे हम दोनों ने बना रहे हैं, आज तो मॉर्निंग भी हमने शुरू कर रखी है। अच्छा थैंक यू सो मच, वेलकम, चलो फिर खाना खा लो आ जाओ। तो बस गाइस खाना खा के निकलूंगा, भाई बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है हरियाणा के अंदर, मतलब पंखा चल रहा है कोई मज़े पता नहीं लग रहा पंखे का। हाँ बेटा कैसे हो, कल स्विमी की ना आरसी गुम हो गई थी, तो यहाँ पर ना सारी गाड़ियों की आरसी मिल गई है, सरोज ना सारा कुछ संभाल के रखती है। देखो तो, जो मेरे दो हाँ, राव है ना सामान, तो आप ये देखो ये कौन है, आप कमेंट करके बताना कौन, ये कौन है, ये कमेंट जरूर करना कौन है, कौन है ये, तो ये कौन है ये भी नहीं पता, ठीक है ये मुकल का एक का है? हाँ ये मुकल पहले का है, ये तो पहले का है, ये पिछले साल तो एडमिशन करवा दी तो हाँ, तो बचपन के दिखा ना, इनको बचपन के जी अपना टाइम हुआ है, ये रहा ये रहा ये रहा। अच्छा ये बताओ कमेंट, ये पहली बार एडमिशन करवाया स्कूल, ये स्कूल का एडमिशन करवाया था ना, जब था मैं रूस गया था। और ये कौन है, कौन है ये, कमेंट में बताना ये कौन है, दोनों ये कौन है, है बेटा जी पता आपको, मेरे को पता ही नहीं चलता किसी का, नहीं चलता आपको भी, ये कौन है बताओ हमने इतना भी कौन पहचान। तो गाइस आप ना कमेंट में बताना ये कौन है और ये कौन है, ये अपना रख लेके हैं, ये अपना साइड में रख रखे हैं। हाँ तो आप कमेंट करके बताना है कौन ये, तो ये तो गाइस को पता ही नहीं लगेगा कौन है, गाइस ने कभी देखा ही नहीं, चलो पता लग जाएगा। और ये देखना ये कौन है, चलें फिर सरोज बैग पैक कर दिया और आपको मैं दिखा देता हूँ, 8 बजने वाले हैं और ये बोल रहे हैं निकल, सभी को बाय बाय, उधर क्या बाय बाय कर रहे हैं, मेरे को बोलो बाय बाय, चलो बेटा। हाँ 30 तारीख को आप आ जाना, ठीक है, तो 30 तारीख को क्या है पता नहीं है, वो है हाँ रक्षाबंधन है ना, तो रक्षाबंधन को और बंधन पे आप आ जाना सभी, ठीक है, मैं इनको आपके पास भेज दूंगी, मैं घर चले जाऊँ, ठीक है, ओके लव यू बाय। चलिए गाइस ये फटा हुआ थैला दे दिया है, तो बस निकलते हैं, भगवान इनका भला करे सभी का, ठीक है सरोज, ठीक है भाई आ जाओ, अब बैठे बैठे फटा हुआ, मैंने तो कम दिया आपने लिया। तो गाइस थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा, अभी चाय भी लेते हैं, चाय पी के फिर निकलते हैं सीधा। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ चंडीगढ़, बस आते ही मेरे को मिल गए हैं दो शैतान, एक तो ये रहा और ये रहा। और भाई साहब कैसे हो, बहुत बढ़िया, दिल लग गया था मेरे बगैर, दिल तो मैं लगा के आया था, मैं दो दिन था ही नहीं, आप भी नहीं था दिल लग था गलू, जैसे ही आप गए तो मैं भी चला गया बादल, जैसे ही आप आए तो देख लो भाई। ये क्या था, मैं ऐसे गया नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने अपने काम में लग गया था कुछ ज्यादा वाले, मतलब इधर उधर भागा थोड़ी सारी चीजों में, तो मुझे तो पता हो गया था ना मेरे जाने के बाद, अकेला हो गया था ना काम ज्यादा, हाँ, का फिर मुझे इस्तेमाल पड़ गया, हाँ, लोड हो गया, अकेला में ही रह गया था फिर, तो ये भाई साहब तो यहाँ तक थे ही नहीं, हाँ मैं तो आ जाया, कभी दो दिन छुट्टी पे था, कभी छुट्टी पे था ना, तो मैं
चलिए गाइस बस अभी खाना वाना खा लेते, तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।